नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डेंसेना। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ आई कि रशिया ने ISIS के एक टेररिस्ट को रशिया में डिटेन कर दिया है। ये टेररिस्ट इंडिया में रूलिंग पार्टी के लीडर्स के अगेंस्ट सुसाइड अटैक के मिशन पर काम कर रहा था। ये उज्बेकिस्तान का सिटीज़न बताया जा रहा है। इसे रशिया के फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने डिटेन किया है। FSB ने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें इस टेररिस्ट को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि वो इंडिया में प्रॉफेट मोहम्मद के इंसल्ट के मामले में बदला लेने पर काम कर रहा था। ये आतंकवादी अप्रैल से जून के बीच टर्की में था, जहां ये IS के लीडर के द्वारा एज अ सुसाइड बॉम्बर रिक्रूट किया गया एंड इस रिक्रूटमेंट को टेलीग्राम एंड पर्सनल मीटिंग में प्रोसेस किया गया था, जहां इसने ISIS के लीडर के सामने ओथ लिया यानी शपथ लिया और अपने काम पर लग गया। काम था रशिया होते हुए इंडिया आना और यहाँ हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अटैक को अंजाम देना। पर ISIS की ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब रशिया ने इसे डिटेन कर दिया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडियन एजेंसीज को कानो कान इस मामले में कोई खबर नहीं मिली? देखिए, इस आतंकवादी के डिटेंशन से पहले इंडिया को एक फॉरेन काउंटर टेरर एजेंसी ने इस संबंध में इंफॉर्मेशन शेयर किया था एंड इस एजेंसी ने 27 जुलाई 2022 को इस सुसाइड बॉम्बर के रशिया में अरेस्ट होने की इनपुट भी दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि दो सुसाइड बॉम्बर किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान से भारत में टेररिस्ट अटैक के लिए तैयार हैं, जिसमें से एक टर्की बेस्ड है और शेयर्ड इनपुट के अनुसार ये लोग ISKP मीन्स इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से हैं। ISKP ने डिसाइड किया था कि वो सुसाइड अटैक के लिए सेंट्रल एशियन को यूज़ करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रॉफेट मोहम्मद मामले में BJP या RSS के लीडर पर सुसाइड अटैक करके बदला लेना था। भारत को ये भी इनपुट था कि ये लोग रशिया से होते हुए इंडिया आएंगे एंड इनका वीज़ा एप्लीकेशन मॉस्को में रशियन एम्बेसी या किसी दूसरे कॉन्सुलेट में फाइल किया जाएगा और ये सारे इंटेलिजेंस इनपुट को भारत ने रशिया से शेयर किया था, जिस कारण से रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने इन आतंकवादियों को स्कैन करके डिटेन किया है। साथ ही भारत के ATS एंटी टेरर स्क्वाड ने 27 जुलाई को ये इनपुट मिलते ही देश भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की, बहुत से संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि आगे क्या? भारत इस वक्त रशिया से इस मामले में ऑफिशियल एविडेंस यानी सबूत का वेट कर रहा है और रशिया से एविडेंस मिलते ही ये केस NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया जाएगा एंड NIA की एक टीम इस मैटर पर इंटरोगेशन के लिए रशिया भी जा सकती है। एक्चुअली ये रशिया से अभी इस पर इनफॉर्मल इनपुट ही मिला है एंड फॉर्मल चैनल से एविडेंस मिलते ही केस रजिस्टर किया जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, भारत से इंटरोगेशन के लिए टीम रशिया भी जा सकती है। अब हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस बार टेररिज्म पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा नया फ्रंट खुलते हुए दिख रहा है, वो है टर्की। टर्की अभी हाल ही के वर्षों में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ कई सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व दिख रहा है। साथ ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के संबंध भारत से तो अच्छे ही हैं, पर पाकिस्तान एंड टर्की के द्वारा इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोगों का टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल भारत के लिए नया एरियाज़ टू वर्क बनता जा रहा है एंड भारत को अब इन एरियाज़ में भी काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।